नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरित्र ज्ञान में। दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में एक पुरुषों को एक देह व्यापार करने वाली स्त्री अथवा तो एक वेश्या से एक बात सीखने के लिए कही है, ताकि वो जल्दी ही धनवान बन सके। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दे कि आदि गुरु शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, लेकिन उनकी नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। अगर आप अपने जीवन में धोखा खाना नहीं चाहते और सदैव ही प्रगति करना चाहते हैं, तो शुक्राचार्य की नीति जरूर पढ़े। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक वेश्या के ऐसे गुणों के बारे में जो हर पुरुषों को अपने जीवन में उतार लेने चाहिए, और साथ ही सबसे पहले आपको बताएंगे कि ऐसी वो कौन सी तीन चीजें हैं जो एक बुद्धिमान पुरुष को किसी अन्य पुरुष को नहीं देनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि शुक्राचार्य क्या कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वो तीन चीजें कौन सी है जो बुद्धिमान पुरुष को किसी और को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, नंबर एक, तरुण पत्नी। शुक्राचार्य के अनुसार पुरुषों को अपनी तरुण पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए अथवा किसी अन्य पुरुष के साथ एकांत में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का नाता आग और फूस की तरह होता है। ऐसे में वो स्त्री पत्त भ्रष्ट होकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर सकती है। दोस्तों, नंबर दो, किताबें। जी हाँ दोस्तों, एक बुद्धिमान पुरुष को अपनी किताबें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किताबें सहयोग से वापिस मिल सकती है अथवा फटी पुरानी अवस्था में वापिस मिल सकती है। दोस्तों, नंबर तीन, धन। जी हाँ, शुक्राचार्य के अनुसार किसी को धन देते समय यह अवश्य जान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति धन का सदुपयोग करेगा अथवा दुरुपयोग, या उसमें धन लौटाने की क्षमता है या नहीं, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जो सहयोग से वापिस मिलती है। तो आइए अब जानते हैं कि एक वेश्या से कौन सी बात सीखनी चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि जैसे एक वेश्या किसी आदमी से धन लेकर उसकी यशोवर्तिनी नहीं बनती और खुद तो उसकी आधीन नहीं होती, पर उसे अपने आधीन बनाने में सक्षम होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को चाहिए कि वो किसी के आधीन ना होकर सारी दुनिया को अपने आधीन बनाए। शुक्राचार्य के अनुसार जिस प्रकार से कोई वेश्या किसी एक पुरुष की दासी बनकर नहीं रहती, जिसे धन प्राप्त होता है उसी को संतुष्ट करके वहां से चली जाती है, उसी प्रकार पुरुषों को भी कभी किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, उसे कभी किसी के अधीन नहीं होना चाहिए और स्वयं को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि सारा संसार उसके अधीन हो, उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आशंका ना पड़े, बल्कि दूसरे लोग उसके सामने हाथ फैलाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।